Welcome to Time News Studios. You are watching HBN Bulletin. नवाज शरीफ के बयान से भारत खुश थो है। कॉम पीपल्स पार्टी आई नू लीग की करप्शन का आगाह है। ऑपोजिशन मुल्क की न पर जाती एजेंडा से हली रही है। एनआरओ न दिदासी वज़ीर-ए-आज़म जो पार्टी अगवान तर्जुमानों के इजलास में गाल इजलास दौरान ऑपोजिशन के वायखो करने की हिदायत। इमरान खान चाहे तो सिविल मिलिट्री लागापन में को भी मसलो ना है। फौज आइनी हदत में रही जमहूरी हुकूमत से गड बीठी है। ऑपोजिशन की तहरीक में को भी खतरो ना है। वज़ीर-ए-आज़म सिंध की बरसात मुतासर इलाकों की सार त न लधी पर मुतासरन से मदी के इजहार लाए चक्कर तो लगाया हा। वे वजीर मुराद अली शाह वफाक सरकार बरसात मुतासर लाए कुछ नी कर घट में घट NFC अवार्ड में हिस्से जा पैसा दिना वन जी अवाम मसला हल कर खत आई अपील बावजूद वफाक हुकूमत बरसात मुतासर की मदद न कई पर डेही सफीर से मुलाकात दौरान खबर पी तो वफाक सरकार सिंध लाए कें भी इदारे या मुल्क का मदद न घुरी है। लाटकाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बड़े वजीर चाहे तो अरणी तरमीम के करे सिंध हुकूमत कोरोना की हालतों में हिम्मत भरिया फैसला कया। पीपल्स पार्टी से नफरत जहा इल्ज़ाम मणिंदड़ पैं जी में झाती पाइन सिंध जहाँ बया जिला त परे की गाल वफाकी हुकूमत कराची लाए भी कुछ ना कर बरसात मुतासर इलाकों में 70% पानी निकाल वो है। अना भी दुखियाँ पेश अचन थी। अवाम मुतहदा के लसानी फसाद पखिड़न वाली साजिश के नाकाम बनाने लाए असो साथ दे। पीपल्स पार्टी कराची में 4 अक्टूबर से रैली करण जो ऐलान कर छोड़ो। सूबाई वजीर सईद गनी है तो अंदरूनी सिंध में चूंढी आयल पार्टी तरफा कराची में कम न करण वाले वज़ीर-ए-आज़म जो बयान मुतहदा की लसानी सियासत के हथी लेने की कोशिश है। सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म मुतहदा के नारे के अगते वधाए सिंध के मानों में नफरतू पैदा करने की कोशिश कर रो है। मुतहदा तासर देने की कोशिश कई है तो कराची में पीपल्स पार्टी के मैंडेट न मिलल है। रैली जरिए साबित करदासी तो कराची जो आवाम पीपल्स पार्टी से गड है। अस नफरत की सियासत खत्म करण लाए कम कर रहा हूं। मुतहदा पाकिस्तान हैदराबाद में 4 अक्टूबर से मार्च जो ऐलान कर छोड़ो। मुतहदा अखबार आमिर खान वसीम अख्तर जो चवण है तो पीपल्स पार्टी 12 साल का सिंध से काबिज है। जमहूरियत के नाले से अवाम के बेवकूफ़ बनाए रही है। पीपी हुकूमत हेल ताई शहरी इलाकों जब मसला हल कर में नाकाम की वही। हैदराबाद के हक दियारण लाए 4 अक्टूबर से सिटी गेट का स्टेशन रोड ताई रैली करण बाद कोहिनूर चौक से धरणो है। मुल्क में 97,93,000 344 नवा वोट दाखिल। वोटर्स जो मजमू अंग 11,57,48,753 थी वो। इलेक्शन कमीशन हतमी जून फहरिस्तन जहाँ अंग खत जारी कर छाया। इलेक्शन कमीशन मौजूद 2018 की चूंड दौरान वोटर्स जो अंग 10,59,55,409 हो। नवा वोट दाखिल थे बाद मर्द वोटर्स जो अंग 6,40,78,616 औरत वोटर्स जो अंग 5,16,67,599 है। सिंध में वोटर्स जो अंग 2,43,51,681 है। पंजाब में 6,62,36,144 वोट्स हैं। KPK में 1,95,33,964 बलोचिस्तान में 48,01,131 वोट दाखिल हैं। इलेक्शन कमीशन मौजूद हतमी चूंड फहरिस्तूं 4 अक्टूबर का जिले इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफिस में मौजूद होंगे। शफाफ चूंडन जो मुतालबो कर टकराव है। टकराव उ मू चाहन था जी इलेक्शन इलेक्शन के चोरी कन था आईन की भनकड़ी कन्दा। नवाज लीग अगवान परवेज रशीद है तो अस टकराव न पर पाकिस्तान में आईन मौजिब जिंदगी गुजारण चाहूँ था। पार्टी के इजलास में इतफाक राय से फैसलो किया वो है तो नवाज शरीफ लंडन में रही पैंजो इलाज कराए। नवाज शरीफ के पाकिस्तान में इंसाफ मिलने की उम्मीद है। पीपी अगवान कमर जमान कायरा चाहिए तो सियासत में अगते लाए भी मुदाखलत बंद थे घुर्जे। सियासी जमातों के भी अमल से एतमाद बहाल करो पव। लाहौर में मीडिया से ालंदे कमर जमान कायरा तो हुकूमत 2 साल में भी सही रुख तय ना कर सकी तेकर हुकूमत इकतदार लाए जवाब सुझाए चुकी है। हुकूमत के वजनो पव। पाकिस्तान हाँ को भी तजर्बो बर्दाश्त नी कर सके। पीपुल्स पार्टी बेन जमातों से गड़ी हुकूमत खिलाफ हतमी तहरीक लाइंदी।
हाँ आऊँ भी पैंकी कायदी यहाँ चवंदुस तो मुख्य छो कढ़ पंजाब में नवाज शरीफ मां निकाली दिनल एमपीए जलील शरकपुरी है तो पार्टी के कायद नवाज शरीफ तरफा टकराव वाली पॉलिसी मुल्की मफाद में ना पार्टी में अड़ो को भी मानू ना जैं टकराव वाली पॉलिसी की हिमायत कई हुए इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत जो हुसन है नवाज शरीफ में इख्तिलाफ़ राय रखने जो हक होने घुर्जे लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान जलील शरकपुरी तो वे वजीर उस्मान गुस्तार से मुलाकात करे पार्टी जाप्तन की का भी भनकड़ी ना कई बड़ी अग नोटिस मिलो सत ढी हुकूमत के हवाले से असा हिकमत अमली वाजे कदासी नवाज लीग की क्यादत एमपीए जलील शरकपुरी के पंजाब के वे वजीर से मुलाकात करते पार्टी में निकाली दिनी हुई। अगोड़े वजीर आजम नवाज शरीफ के असासन जहाँ तफसील मंजर आम से अची वाया इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नैब तरफा पेश कल रिपोर्ट में नवाज शरीफ उदैबिया पेपर मिल्स में 43,43,000 उदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में 22,213 शेयर्स जो मालिक करार। रिपोर्ट मूजिब निजी बैंक्स में खुलल 8 अकाउंट्स में 5 अकाउंट्स में 6,12,000 रुपया मौजूद फॉरेन करेंसी वाले अकाउंट्स में 566 यूरोस 698 अमेरिकी डॉलर से 498 बरतानवी पाउंड्स मौजूद होने की दावा। नैब रिपोर्ट में चाहिए है नवाज शरीफ संदस कफालत हेठ आयल मानू जो लाहौर शेखोपुरा मरी और अब्दाबाद में मिल्कियतू हैं। मिल्कियतन में मरी वो बंगलो अब्दाबाद के 15 किनार वो घर और अपर माल लाहौर शामिल। नवाज शरीफ एक लैंड क्रूजर मर्सिडीज गाड़ियों बिन ट्रैक्टर्स जो भी मालिक करार एहतसाब अदालत नवाज शरीफ की मिल्कियतन असासन के जब्त करने का हुक्म दिनों हो। पीपल्स पार्टी जो मरकजी सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी भी कोरोना वायरस जो शिकार टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव अचान बाद नैयर बुखारी पान के आइसोलेट कर छो कोरोना में मुबतला पीपी अगपान नैयर बुखारी कुछ ही अग पीडीएम के इजलास में शिरकत कई हुई खेस इजलास दौरान ही बुखार महसूस थो। मुल्क में कोरोना वायरस बीहर कर खड़ लगो गुजरियल 24 कलाक दौरान कोरोना वबा 15 हयात गिड़काए छो कराची में कोरोना के केसिस बेएहतियाती बढ़ने स्मार्ट लॉकडाउन लगने जो फैसलो जारी सिविल लाइन के क्रेक अपार्टमेंट्स में माइक्रो ए सदर सब डिवीजन में स्मार्ट लॉकडाउन लागू कराची में 100 पीस की भनकड़ी से 57 शादी हॉल्स 103 रेस्टोरेंट सील एनसीओसी समूरन सूबन इस्लामाबाद की इंतजामिया के हिफाजती उपाव वठण की हिदायत कर छी एनसीओसी कोरोना का बचाव लाए एसओपी की भनकड़ी से क्रैकडाउन की हिदायत कदे है तो शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स से खसूसी तौर ध्यान दिनों वे ये बई जायू कोरोना जो मरकज बणजी रही है। चिल्हार में इज्तमाही लजालुट ब्लैकमेलिंग जो शिकार नारी तरफा आपघात वाले केस में गिरफ्तार जवाबदार बिन ढीह के जिस्मानी रिमांड के पुलिस हवाले पुलिस जवाबदार आदम दल के मकामी अदालत में पेश कयो अदालत तरफा जवाबदार के सूमर से बीहर पेश करने जो हुक्म केस में नामजद ब जवाबदार पुलिस के पकड़ में ना आया नारी की अमर जो चवण है तो संदस धीह के ज्याती जो निशानो बढ़ाने बाद धमकियों दिनी व्यू केस में नामजद वधीक जवाबदारन के गिरफ्तार करे मंतकी अंजाम से पहुंचाने जो मुतालबो गोट दलन जो तड़ में नारी मूमल मेघवाड़ कुजरी अग खूह में टुपो रही आपघात कयो। पंजाब के इलाके जनावाला में लिफ्ट दई नारी के इज्तमाही लजालुट जो निशानो बणाने वाले केस में ब जवाबदार गिरफ्तार पुलिस वधीक चयन जवाबदारन के गिरफ्तार करे न सगी पुलिस जो चवण है तो बस खराब थन बाद नारी गाड़ी के इंतजार में बीठी हुई तो कार सवारन के लिफ्ट दिनी जवाबदारन नारी के नशो दई इज्तमाही लजालुट जो निशानो बढ़ाया पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ में भी नारी के ब्लैकमेल कर इज्तमाही जाती जो निशानो बढ़ाने जो इंकशाफ पुलिस मौजूद मुतासर नारी चाहो है तो जवाबदारन जबरदस्ती जाती जो निशानो बढ़ाए वीडियो रिकॉर्ड कई जै बाद वीडियो वायरल करने की धमकियों दई 7 महीनों तक इज्तमाही जाती जो निशानो बढ़ाए वो केस दाखिल थे बाद जवाबदारन की गिरफ्तारी लाए छापन जो सिलसिलो जारी। घोटकी पुलिस की खमड़ा वाले इलाके में कार्रवाई सादिकाबाद में अगवा थल औरत स्प्रे मार पासियाब मुबैरा ऑपरेशन दौरान बिन हथियार बंदन के भी गिरफ्तार करने की दावा पुलिस मौजूद धाड़ेल मुल्किन के कराची मुंतकिल कर रहा हुआ तो खमड़ा में पेट्रोलिंग कदर पुलिस के ऐसी बारन रड़ी क्यों पुलिस कार्रवाई करे खेन बासियात कराए वरतो पुलिस मौजूद औरत जो चवण है तो धाड़ेल के विक्रो करने लाए कराची वी वही रहा हुआ।
जेकब बाद वेझो कोयटा का रावलपिंडी वींदड़ जाफर एक्सप्रेस के आबाद स्टेशन में बाह लगी वही एक बोगी सड़ी तबाह थी वही। खुशकिस्मती से जानी नुकसान न थो मुसाफिर में खौफ पकड़ी वो। रेलवे पुलिस जो चवण है तो ट्रेन की बोगी के जनरेटर में बाह लगी जै बाद बेन बोगियन फौरी तौर इजहार करण बाद ट्रेन के मंजिल तरफ रवाना किया वो। नौदेरो भरसा पंजदेरो गोठ में संगावती तकरार था पोरियत दोदो खान शेख कत्ल। इलाके वासन जो चवण है तो पोरियत के संगावती तकरार था सौटन कत्ल किया है। गड़ी केरो भरसा गोठ अब्दुल कादिर बुलेदी में कटोहर ए मंदरानी बिरादरी के बिंदुर में जमीनी तकरार था खूनी झेड़ो। टिन कलाक जारी फायरिंग दौरान गोठानो सूबो कटोहर मारी वो। धुरन में खूनी झेड़े इलाके वासन में खौफ पकड़े छोड़ो। इतला बावजूद पुलिस हरकत में न आई। कत्ल थियल गोठाने जो लाश केतरी देर ताई वाके वाले हंध पयल रो। भिटशाह में सिंध के सरमौर शहर शाबलती भिटाई के 277 सालियाने उर्स जो बे ढी भी तकरीबू जारी। इंतजामिया पांधियन के रोकने लाए दरगाह दा बींदर रस्ता बंद कर छा। मुख्तलिफ हंधन से पुलिस अहलकार मुकर। भिटशाह की दरगाह से तमाम पूरी तादाद में पांधियन के पहुंचने जो सिलसिलो जारी। खेन सैनिटाइज करण का दरगाह में वन की इजाजत दिनी पी वे। औकाफ खाते के वजीर सोहेल अनवर सियाल दरगाह से चादर चाढ़े सरकारी तकरीबन जो इफ्तिताह कर छोड़ो। सूबाई वजीर है तो उर्स की तकरीबन दौरान SOP से मुकम्मल तौर अमल थी रो है। दरगाह से सफाई के अमल के बेहतर बनाए वो पांधेड़ा SOP तहत दरगाह से अची सकन था। SI असगर मुगरी से तशद न किया हो उन पा वर्दी फाड़े ड्रामो किया। लाड़काणी में SI से तशद के इल्ज़ाम हेठ आयल PP अकबान जुल्फकार जखरानी भी SSP मसूद बंगश की जांच से बेतमादी जाहिर कर छी। जुल्फकार जखरानी PGI MP हलीम आदिल शेख के मामले के ब्रेक दियण जो इल्ज़ाम हणंदे है तो असगर मुगरी PGI अकबान की चुट से ड्रामो कर रो है। वो शराब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर जवाबदार जहाँ पैसा फवाए पो है। वापस घुरण से तशद जहाँ ड्रामा पो कर मामले की शफाफ जांच कर बदर मुँह केस दाखिल किया वो है। लगे तो DIG SSP लाड़काणो भी धुर बनल। PP अकबान वाक़े की यह शफाफ जांच कराने की मुतालबो कदे है तो इंसाफ न मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से राबो किया वो। कोरबा के SI गुलाम नबी हाजाणो की वीडियो वायरल थे बाद SHO गुलाम कादिर शोरो मुअतल रिवर्ट ए लाइन हाजिर। SSP बदीन नोटिस वे SHO की शोकास नोटिस भी जारी कर छोड़ो। वीडियो में SI गुलाम नबी हाजाणो बदली न थे की सूरत में पान साण जो चेतावनी दे SHO कोरबा नशे में धुती मानून से गारगन करे तो मात अहलकार रवैयो सही न हों।
सिंध में वन व्हीलिंग से पाबंदी बावजूद पुलिस की रवायती सुस्ती एक वधिक नौजवान का हयाती खसे वरती। हैदराबाद में थदी सड़क से वन व्हीलिंग दौरान मोटरसाइकिल फुटपाथ से टकराई वही एक नौजवान फौत जो जख्मी फौती इलाज जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ हंधन से केतरा ही नौजवान हयातियों विञाए चुका। तंगवाणी के विच शहर में मलिक लाशारे बिरादरी की बिंदुर में कारें तकरार से छेड़ो एक बे के डंडन जो वसकारो जेड़े में जख्मी थे सत जणा अस्पताल मुंतकिल। एसएसपी ऑफिस सारो मलिक बिरादरी के एहतजाज बाद लाशारी धुर के 12 जणन के केस दाखिल। नौदेरो भरसा रोड बालाई ट्रगण में 12 की गाल बिंदुर में जेड़े दौरान लठिन जो वसकारो 5 जणा जख्मी। कराची की हैदरी मार्केट में औरतों जो दुकानदार के कुटको सीसीटीवी फुटेज सामू अची वाया पुलिस बिन दुकानदार के गिरफ्तार करे वरतो। पुलिस मौजिब जेड़ो कपड़े जो अग तय निथण करे थियो मुतासिर औरतन फरियादी बंजन का इनकार करे छो है। अखियन के नूर का महरूम न्यूयॉर्क वासी सिंधी बारड़ो दाऊद दुरानी गायण की हैरत अंगेज सलाहियत रखे तो। एक भेरो गानों बुधन का पोए खेस बोल धुन भी याद थी वने थी। सुरई सास जो हसीन मेलाप रखंदड़ दाऊद न्यूयॉर्क की सिंधी कम्युनिटी में मशहूर थी वयो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप संदस घरवारी मेलानिया ट्रंप कोरोना वायरस के शिकार। अमरीकी सदर पैं ट्वीट बयान में चाहिए तो टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव अच्छे बाद उन्हें पान के करंटीन कर छो जल्द बहाली लाए मरहलो शुरू किया वो। ट्रंप के सलाहकार वेझे साथी होप हैक्स के कोरोना की तस्दीक बाद अमरीकी सदर खातून अव्वल पैं टेस्ट कराई हुई। व्हाइट हाउस डॉक्टर्स जो चवण है तो ट्रंप संदस घरवारी की सेहत बेहतर है। बिन्हीं व्हाइट हाउस में पान के करंटीन कर छो है। सदर ट्रंप करंटीना में होने बावजूद सदारती जिम्मेवार निभाने जो सिलसिलो जारी रख। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन टाइम न्यूज़ में भली कार मां हां शाहिद सियाल हेडलाइंस सवाली थी। बुलेटिन की शुरुआत कदासी शॉर्ट ब्रेक का अमानिस ना रहो टाइम न्यूज़।